हेलो फ्रेंड, हम बायो टॉपिक टेस्ट स्टार्ट किए हैं जिसके माध्यम से नीट 2019 एंड ऑनवर्ड नीट एग्ज़ाम में 83 क्वेश्चन सही करेंगे कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के थ्रू। इसके पहले वीडियो में हम 119 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, अब 120 क्वेश्चन नंबर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्लोरिशिंग ऑफ मिलेनिक फार्म ऑफ बिस्टन बिटलूरिया सो हुई टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में भी देख लेते हैं। स्टलाइजेशन के बाद बिस्टन बिटलूरिया की मिलेनिक फार्म ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी, यह किस प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है? तो आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है इसमें मोर इंडिविजुअल्स होते हैं, एक्वायर्स वैल्यू अदर देन मीन करेक्टर वैल्यू, मीन करेक्टर वैल्यू को छोड़कर एक्वायर किया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिप्लॉयड पॉपुलेशन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी दी गई है, डोमिनेंट एलील फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी है, तो पी हम लोग को दिया गया है 0.2। और व्हाट परसेंटेज ऑफ हेटरोजाइगस इंडिविजुअल, हेटरोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 2PQ, हेटरोजाइगस डोमिनेंट ही होता है, तो ये पूछ रहा है कितना होगा। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, पी प्लस क्यू इजकल टू 1 लगा देंगे, तो पी दिया है 0.2 दिया है, प्लस क्यू इजकल टू 1, तो Q इजकल टू 0.2 इंटू 1, तो Q आ जाएगा कितना? 0.8 आ जाएगा। अब हमें 2PQ रख देंगे, 2 इंटू पी, पी कितना दिया था 0.2, Q 0.8, 8 दुना 16 दुना 32, तो आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आने के बाद ना लिखेंगे 0.32 इंटू 100 करेंगे, कटेगा इतना 32% आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो द इनवर्टिब्रेट बियर फार्म, इनवर्टिब्रेट फार्म कितने फार्म हुआ? तो 500 माया में इन्वर्टिब्रेट बियर फार्म एंड एक्टिव हुआ, इन्वर्टिब्रेट लगभग कितने वर्ष पहले उत्पन्न हुए? तो 500 मिलियन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन, कुछ जीवाश्म अस्थियां मानव जैसे प्राप्त हुई थी साउथ अमेरिका, तंजानिया, यूथोपिया, बोथ बी एंड सी। तो फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया, बी एंड सी ऑप्शन दोनों सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन अकर्स इन कहाँ पे? अफ्रीका एंड एशिया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीका एंड अमेरिका में नहीं, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम अंडर जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन पैरेंटोलॉजी कहलाता है, ए ऑप्शन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, बी पैलियोग्राफी, सी पैलिंटोलॉजी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें दिया है हर्पीटोलॉजी, हर्पीटोलॉजी क्या होती है? हर्पीटोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, इसमें आते हैं एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रीबायोटिक इवोल्यूशन, प्रीबायोटिक इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट मीथेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑफ प्रिमिटिव अर्थ, सबसे पहले जब अर्थ बनी थी तो कौन सी गैस एब्सेंट थी? तो वो ऑक्सीजन एब्सेंट था।
रिड्यूसिंग नेचर था पहले ना, अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक ऑफ फिंचेस अडाप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट ऑन द गैलापागोस आइसलैंड एज ऑब्जर्व बाय डार्विन प्रोवाइड एविडेंस फॉर, तो क्या एविडेंस मिला था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। गैलापागोस आइसलैंड पे जब डार्विन देखे थे तो वहाँ पे क्या था ऑब्जर्व किए थे बाई किसके द्वारा? नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा, क्योंकि उनकी बीक में पक्षियों की चेंजेज हो रहे थे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट होती है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली स्मॉलर आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, बी ऑप्शन सही। दिस सरप्राइज प्रोडक्ट इन द मिलर एक्सपेरिमेंट, मिलर के प्रयोग में आश्चर्यजनक पदार्थ बना था, क्या बना था? ए पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, तो डी ऑप्शन अमीनो एसिड। ये लगभग 15 अमीनो एसिड डिस्कवर किए थे, और जैसे ग्लाइसिन, एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ऐसे ही ईटीसी। इसमें एक और याद करना है हम लोगों को, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जो इंग्रेडिएंट यूज किए थे, ये CH4, NH3, हाइड्रोजन H2 एंड सम वाटर वेपर स्टीम। तो इसका रेशियो पूछा जाता है एग्जाम में, CH4 यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है, तो 2:2 यहाँ डिफरेंट है, आठ नंबर है, तो 1 लिख दो और यहाँ सम नंबर है, तो 2:1:2 के रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 131, हु फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड बियर बेसिस ऑफ लाइफ, किसने सर्वप्रथम प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जीवन का आधार है? लाइफ के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो ये किसने कहा था? ये कहा था मिलर ने, बोला था मिलर, ऑर्गेनिक मालिक्यूल लिए थे जैसे एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, ईटीसी, ऐसे ही लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन, जीवन की उत्पत्ति के लिए केमिकल थ्योरी दी थी, तो सी ऑप्शन ओपेरिन एंड हेल्डन ने दिया था। ओपेरिन एंड हेल्डन की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बोलिए या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन किसने दिया था, तो ओपेरिन एंड हेल्डन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन एग्जिबिट द फिनोमिना कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, स्टेबिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का फंक्शन जो है सेम होना चाहिए, ओरिजिन डिफरेंट होना चाहिए। तो पेंगुइन क्या है, पेंगुइन एक बर्ड है, एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड है, और इसका क्लास जो है एबीज है। और डॉल्फिन क्या है, डॉल्फिन का क्लास मैमेलिया है, तो इनके तो ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो इनके फ्लिपर्स हैं, ये पेंगुइन इसमें एक्वेटिंग में क्या करता है, ये फ्लाइटलेस है तो उड़ेगा नहीं, तैरने का काम करेगा, और डॉल्फिन एक मछली है तो ये तैरेगी, सेम जगह जीने के लिए फ्लिपर्स बनाए हैं, ये दोनों पानी में रहेंगे, तो इनका फंक्शन क्या है, सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, इनका क्लास एबीज है और इनके क्लास मैमेलिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, डार्विन थ्योरी डज नॉट इंक्लूड, डार्विन थ्योरी में की थ्योरी का भाग कौन सा नहीं है?
नेचुरल सिलेक्शन, बी सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट, सी इवोल्यूशन थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, डी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो डार्विन ने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें तीनों तो ये डार्विन के हैं, बट ये इवोल्यूशन ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस करेक्टर जो है ये लैमार्क का था। लैमार्क थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन भी बोले थे और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी बोले थे। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।